हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, मैं सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन के कन्वर्जन के मेथड्स को देख रहे हैं, रूल्स को देख रहे हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में मैंने 15 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 16 और 17 पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे लेटिन नाउन्स होते हैं जिनका अंत ए से होता है, कुछ ऐसे लेटिन नाउन्स होते हैं जिनका अंत ए से होता है। अब यदि आप कभी इन सभी शब्दों का प्लुरल फॉर्मेशन नहीं किए हैं, तो आज आप सीखने वाले हैं कि किस तरह हम इन शब्दों को प्लुरल फॉर्म देंगे। दोस्तों, ये सभी लेटिन वर्ड्स हैं, सभी का अंत ए से हुआ है, लेकिन प्लुरल फॉर्मेशन बनाने के थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। जैसे एरिया को लीजिए और अरीना को लीजिए, इसका प्लुरल फॉर्मेशन एरियाज होता है, एरियाज, और इसका प्लुरल फॉर्मेशन होता है अरीनाज। अरीना में होता है अखाड़ा। अब देखिए, यहां पर ये तीन शब्दों को देखिए, अंत तो यही से हो रहा है, लेकिन इसका प्लुरल फॉर्मेशन इसके अंत में एस जोड़ करके नहीं बनता है। आप भी न बनाए, इसे बनाया जाता है ई जोड़ करके। अब देखिए, जैसे अलगा है, अब हम क्या करेंगे इसके प्लुरल फॉर्म बनाने के लिए, ई जोड़ देंगे, अलगी। अब जैसे लार्वा है, तो लार्वा दे देंगे और ई जोड़ देंगे, तो ये प्लुरल हो गया, लार्वा, लार्वे। अब अलुमना, इसका प्लुरल फॉर्मेशन बनाते हैं, अलुमना लिख दिए हैं, उसके अंत में ई जोड़ दिए हैं और इसको पढ़ा जाता है अलुमनी। अब ये दोनों जो वर्ड्स है, इसका प्लुरल फॉर्मेशन दो तरीकों से होता है। पहला, एक तो होता है फॉर्मूलाज, जो कि ऑर्डिनरी प्लुरल है। एक होता है फॉर्मूला देकर के फिर ई जोड़ दीजिए, यानी फॉर्मूले, फॉर्म्यूले, फॉर्मूलाज और फॉर्म्यूलेज, फॉर्म्यूले। अब यहाँ पर देखिए, इसका भी एक होता है एंटीनास और एक होता है एंटीनी, एक एंटीनास, एक एंटीनी। अब देखिए, जो छोटे मोटे कीड़े या पतंगों का जो स्पर्श ग्रहण करने का जो शुंग होता है, ये वाला, ये कहलाता है एंटीनास, एंटीनास। और टेक्निकल सेंस में एंटीना आप देखी होइएगा, ऐसे ये एंटीना है। तो यहाँ पर देखिए, एंटीना का दो प्लुरल फॉर्मेशन, एक एंटीनास और एक एंटीनी, एंटीनी। चलिए, ये रूल आपका समाप्त हो गया। आप देखें, कुछ वेरिएशंस है प्लुरल फॉर्मेशन बनाने के दरमियान, लेकिन ऐसा ही इसका प्लुरल फॉर्मेशन होता है। एरिया का एरियाज, अरीना का अरीनाज, अलगा का अलगी, लार्वा का लार्वे, अलुमना का अलुमनी, फॉर्मूला का दो फॉर्मूलाज, एक फॉर्म्यूले, एंटीना का भी दो, एंटीना का एंटीनास और एंटीनी। ये सारे प्लुरल फॉर्म्स हैं, ये रूल नंबर 16 कहता था। अब रूल नंबर 17 की बात करते हैं। तो कुछ ऐसा लेटिन नाउन्स होता है, कुछ ऐसा लेटिन नाउन्स होता है जिसका अंत या तो ईएक्स से होता है, ईएक्स से, या तो आईएक्स से होता है। इसका प्लुरल फॉर्मेशन बनाने का भी थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है इसका भी। जैसे हम क्या करेंगे कि जो ई एक्स है या आई एक्स है, इसको आई सी ई एस में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर हम बनाते हैं अपेक्स का, तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर
ई एक्स बदल करके हम क्या किए हैं, आई सी ई एस कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा अपेक्स, ये हो गया आपका एपिसेज। अब कोडेक्स की बात करते हैं, इसका हो जाएगा कोडिसेज। इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडाइसेज, इंडाइसेज। अब ओपेक्स, अपेंडिक्स और मैट्रिक्स, इन तीनों के प्लूरल्स जो है वह दोनों ढंगों से बनता है। एक तो जेनेरिक रूल वाला, जैसे हम बताए थे कि सिंगुलर नाउन के अंत में यदि एस रहता है, डबल एस रहता है, सी एच रहता है, एस एच रहता है, एक्स रहता है और जेड रहता है, तो उसके अंत में प्लूरल के लिए हम लोग ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो वही बात यहाँ है, एक तो जेनेरिक रूल हो जाएगा प्लूरल के लिए, जैसे ओपेक्स का ओपेक्सेस, अपेंडिक्स का अपेंडिक्सेस, एक हो जाएगा मैट्रिक्स का मैट्रिक्सेज। ये तो जेनेरिक रूल हो गया, ऑर्डिनरी प्लूरल फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इस रूल के तहत भी इन तीनों का प्लूरल फॉर्म बनता है। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ओपाइसेस, ओपीसेस, ओपीसेस, उसके बाद हो जाएगा अपेंडिसेस और एक हो जाएगा मैट्री, मैट्री सेज। तो ये देखिए किस तरह से इन तीनों शब्दों को हम दो अलग अलग तरीकों से बना है, एक जेनरिक रूल और एक स्पेसिफिक रूल। अब देखिए ये सारे शब्द था जो कि लैटिन ओरिजिन था, ये सब शब्द भी लैटिन ओरिजिन ही था, लेकिन सबका रूप अलग है, प्लूरल फॉर्मेशन भी अलग है, वर्ड अलग है, यहाँ पर भी वर्ड अलग है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी अलग है। अब देखिए वर्ड का तो कहना ही कुछ नहीं है, क्योंकि हर एक जो शब्द है उसका अपना एक इतिहास होता है, अर्थात एवरी वर्ड हैज ए हिस्ट्री। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब अपना अपना रूप में है, अपना अपना ढंग का है, उसी तरह का प्लूरल फॉर्मेशन लेता है, तो क्यों नहीं हम उसी तरह तरीका से बनाएं जो हमारे व्याकरणाचार्य जो है कहते हैं। तो ये रहा मेरा लैटिन और लैटिन वाले जो एंडिंग वर्ड्स है ए, ई एक्स और आई एक्स का प्लूरल फॉर्मेशन, और हम इसका सभी का प्लूरल फॉर्मेशन करके देखे हैं। तो दोस्तों ये मेरा रहा 16 और 17 रूल, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं और उसमें चर्चा करेंगे रूल नंबर 18 पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। They would not have killed you to get your rings of precious